वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। और आज है धनतेरस प्लस छोटी दिवाली, दोनों मिक्स है। तो हम लोग आज थोड़ी सफाई कर रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ कुछ कल हमने दिवाली की शॉपिंग भी की थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी लाई हूँ बट अच्छी है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये देखो, यश जो है हमारे साथ काम करवा रहा है और थोड़ी सी मंदिर की क्लीनिंग चालू हो गई है। क्लीनिंग मतलब डेकोरेशन होगा, क्लीनिंग तो पहले ही हो चुकी थी बट अभी डेकोरेशन होगा। तो सब सामान हमने निकाला है और यहाँ पर कर रखा है। और ये देखो यहाँ पर जो एक हमने लगा रखा था ना पेपर जैसा, वो निकाला है। वो बहुत ही मुश्किल हो रही थी निकालने में, तो पूरा ढंग से नहीं निकला बट इसके ऊपर भी हमको पेपर लगाना ही है, तो हम इसी के ऊपर फिर चिपका देंगे। क्योंकि ये निकालने में टाइम भी बहुत जा रहा है और हमको ज़रूरत भी नहीं लग रही है कि इतना मतलब ज़रूरी ही हो निकालना। चलो मैं आपको दिखाती हूँ और भी सामान। और ये मैंने लाइट्स भी निकाल ली है, तो ये भी लगेगी। अभी पूरा डेकोरेशन का काम बाकी है। और यहाँ पर ये चल रहा है, इधर आओ तो इधर से। हेलो, हैप्पी दिवाली बोल दो यार। हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। और ये यहाँ पर चल रहा है काम। कैंची दे रही हूँ मैं, एक सेकेंड। और यहाँ पे मैंने वैक्यूम क्लीनर भी निकाल रखा है, क्योंकि ये और मैं इस वक्त जुदा नहीं हो सकते। ये डेली निकलता है, डेली इससे काम हो रहा है। क्योंकि थोड़ी भी डस्टिंग करो धूल उड़ती है, झाड़ू पोछा हो चुका है तो फिर उसके बाद धूल उड़ती है, तो फिर मैं झाड़ू लगाना प्रेफर नहीं करती हूँ, इससे क्लीनिंग ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अभी मैं इसका कवर वगैरह सब चेंज करूँगी, तो फिर वो गंदा होगा। अभी जैसे मंदिर भी है ना, तो उधर जा रही हूँ मैं वैक्यूम लगाने के लिए। और मैं आपको ये सामान दिखाती हूँ जो मैं लेकर के आई हूँ, ठीक है? चलो मैं दिखाती हूँ। ओके, तो ये है वो सामान। एक तो मैं आपको पेपर दिखाना चाहती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। ये ना नॉर्मल कागज़ जैसा पेपर नहीं है, कुछ ऐसा है, पता नहीं क्या है, ना प्लास्टिक है ना कागज़ है, कुछ है ऐसा, मतलब जो थोड़ा सा थिक जैसा है, मतलब ऐसे फटेगा नहीं फाड़ने से। तो ये हम लोग दो लेकर के आए हैं, बहुत अच्छा शाइनी है। तो ये मंदिर के बैकग्राउंड में लगाएंगे, ले जाओ। तो जब दिया वगैरह जलेगा ना, तो ये थोड़ा शाइन करेगा पेपर, बहुत अच्छा है डेकोरेटिव। देन फिर हम लोग लेकर आए हैं एक, ये लेकर के आए हैं, ये कुछ इस तरीके का है, इसको जो भी बोलते हैं, ये ना वो हल्दी कुमकुम करने के लिए है। वैसे तो ये प्लास्टिक में ही है बट सुंदर लग रहा था। अब हम लोग यूज़ किस लिए करेंगे मालूम नहीं है, बट ये है हल्दी कुमकुम के लिए, तो ये लेकर के आई थी मैं, अच्छा लग रहा था। कल इतना रश था ना मार्केट में कि कहीं भी चले जाओ पैर रखने की जगह नहीं थी, बहुत रश था। और उसके बाद फिर ये इस तरीके के मैं ये लेकर के आई हूँ, ये कैसे ऐसे लटकाने के लिए हैं, ये ऐसे। ये इसमें ना कई सारी वैरायटी थी बट ये वाली मुझे ज़्यादा सॉफ्ट लग रही थी और वॉशेबल है तो आराम से यूज़ हो जाएंगे। तो ये थोड़े ब्राइट, इसमें ऑरेंज कलर भी आता है बट ये वाला मुझे थोड़ा ब्राइट लगता है, इसलिए मैंने ये वाला ले लिया। तो ये एक है इतना बड़ा ऐसे। तो ऐसे मैं 6 लेकर के आई हूँ, अलग अलग जगह पर, मतलब ऐसे लटका दूँगी तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा दिवाली वाली फीलिंग आ जाएगी। एंड देन फिर ये लेकर के आए हैं हम लोग, ये ऐसे, ये भी ऐसे लटकाने के लिए है। तो ये छोटे में है, वो थोड़े बड़े हैं ना, ये ऐसे बड़े, तो यहाँ से लटक जाएंगे ऐसे। तो ये भी हम 3 लेकर आए हैं। तो ये वही कलर कॉन्ट्रास्ट हो गया, ऑरेंज है और वो येलो है। एंड ओके, ये हो गया। देन फिर ये लेकर के आए हैं बंधनवार जो है ना, वो काफ़ी आजकल महंगे, आजकल नहीं काफ़ी टाइम से ही महंगे मिलने लगे हैं। बट ये मेटल के है ना, और उसमें पर्ल वगैरह सब यूज़ हुआ है इस तरह से। तो ये हम मंदिर को डेकोरेट करने के लिए वैसे लाए हैं, बट लेट्स सी कि क्या करते हैं। अभी सोचा तो ऐसे ही था, तो यहाँ पर ना इस तरीके से ये लगा हुआ है और ऐसा। तो ये है, अच्छा है, ये करीब आई थिंक 350 का है ये, इस मतलब इस इतने प्राइस में है ये। और ये एक मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है, ये काफ़ी टाइम पहले हमने लिया था दिवाली पे ही कभी। ये भी वैसे ही है, उसी मतलब पर्ल और वो है, इसके कलर्स और सब कुछ बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही अच्छा, एकदम दिवाली अप्रोप्रिएट है, दिवाली पे ही लिया था। बट ये बहुत ही अच्छा लगता है, पूरा भरा हुआ भी है और कलर और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये मैं काफ़ी टाइम से मतलब लिया हुआ है, हो गया 4-5 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा चल रहा है, एकदम नए जैसा है, तो अच्छा अच्छा लगा मुझे ये वाला। तो इसलिए एक ये तो हम मेन डोर पे लगाते ही हैं, और इसीलिए हमने ये वाला भी ख़रीद लिया है। तो अब इसको कहाँ मंदिर के लिए लिया है, बट देखते कैसे करेंगे डेकोरेट। ये लिया है, एंड देन फिर दिवाली है तो दिए तो लेने ही पड़ती हैं।
तो ये हमने इस टाइप के जो कच्चे दिए आते हैं ना मिट्टी के, ये वाले लिए हैं। ये कितने लिए थे? 11। हाँ तो शगुन के 11 दिए मैंने, ये वाले लिए हैं। और ये इसी में रखा होगा देखो। और उसके बाद ना एक ये मटकी जैसे दिए लिए, दिए नहीं है मतलब इसमें कैंडल लगी हुई है और ये मटकी जैसा है, उसको पेंट किया हुआ दिखाती हूँ। एक हमने कल लगा लिया था। हैं आरफ छूता है, कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से देखो हैंड पेंटेड ही है और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। मिट्टी का भी है और थोड़ा सा डिफरेंट है डिज़ाइन इसका, तो ये मुझे अच्छा लगा कि वही कन्वेंशनल, मतलब इसमें भी पेंटेड वाले दिए हुए आते हैं तो वो हमारे पास पहले से रखे हुए हैं, तो हमने वो ना लेके ये वाले ले लिए, थोड़े से अलग है। तो ये दो सेट ले लिए थे। तो ये कैंडल है, मतलब इसमें वैक्स है, तो ये ऐसे भी जल जाएंगे, बाद में इनको मैं रीयूज़ भी कर लूँगी कुछ भी, जैसे धूप वगैरह लगाने के लिए आ जाए वो यूज़ हो जाएंगे। तो ये वाले ले लिए। तो बस इतना सा ही सामान लिया था और एक ये और कपड़ा हमने लिया था मंदिर में ही लगाने के लिए, बट पता नहीं अभी शायद हम नहीं लगाएंगे, बट ले लिया है कि चेंज करके लगाने के लिए अच्छा ही है। तो ये इतना ही सामान हमने लिया था, बाकी क्रैकर्स वगैरह थे वो लिए थे। तो बस ये है, अब हम लोग जा रहे हैं डेकोरेट करने के लिए। और धनतेरस इस बार 2 दिन पड़ी है, कल भी थी और आज भी है, तो आपने कब मनाई वो मुझे बता रहा है। हमने कल ये सब कर लिया, आज भी हम जाने वाले हैं धनतेरस का, कुछ जो भी शगुन का थोड़ा बहुत सामान लेंगे, बहुत ज़्यादा तो कुछ लेना नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ना, मैं धनतेरस पे कुछ भी जो मुझे किचन के बर्तन वगैरह स्पेशली लेने थे, स्पेशली नॉनस्टिक बर्तन मैं हमेशा साल में जो चेंज करती थी तो वो धनतेरस पे करती थी, बट अभी तो मेरे पास सब कुछ है तो मैं शायद कुछ नहीं लूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसे देखते हैं क्या लूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी अभी अभी जब तक ले नहीं लो तब तक वाली बात है ना। चलो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि आज बनाया है या कल बनाया है आपने धनतेरस। और तो यश को मैंने यहाँ पर उसके पापा के पास ही रख दिया था रॉकर में डालकर, वो मंदिर साफ़ कर रहे थे, सजाने का काम अभी शुरू हो चुका था और ये यहाँ पर देखिए खेल रहा था, तो क्या देखते रहेंगे। और मैं दूसरी जगह अपना काम कर रही थी, उसके बाद फिर जब सब थोड़ा काम मेरा हो गया था फिर मैंने इसको नहला के तैयार कर दिया था। मैंने सोचा था थोड़ा उसका फ़ोटोशूट वगैरह करूँगी, तो इसीलिए जो डेकोरेशन थी अभी हुई तो नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इसको यूज़ करके बैकड्रॉप में और फिर करेंगे। मैंने थोड़ा सा कुछ दिए विए बनाए थे, उसने सब बराबर कर दिया जब तक कि मैं कैमरा वगैरह रेडी करती और सब खींच खींच के से। और फिर रो रहा था कि मतलब वो हर एक चीज़ को मुँह में डालना है, खेलना है और बिल्कुल भी अभी जैसे जैसे थोड़ा सा मूव करने लगाना है तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, खाना खेलना ऐसे करता रहता है। तो जैसे उसके हाथ में आ रहा था वैसे ही वो खुश था और जैसे ही मतलब वापस रख रही थी तो रोने लग रहा था। तो फिर मैंने छोड़ दिया, उनका टाइम फालतू में वेस्ट करने से और उसको भी परेशान करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इजी वे में हो जाए तो ही ठीक है। तो फिर मैंने छोड़ दिया था और मैंने कुछ रील्स एंड शॉर्ट्स बनाए हैं तो वो आप ज़रूर देखना। और यहाँ पर ना मैच भी आ रहा था इंडिया पाकिस्तान का, तो वो भी बड़ा क्रूशियल चीज़ थी, तो मैच भी चल रहा था, डेकोरेशन भी चल रही थी, सब कुछ एक साथ ही हो रहा था यहाँ पर। डेकोरेशन हो चुका है और किस किस ने किया? ये पापा और उसका उनका असिस्टेंट कौन था? ये लड़का, इसने बहुत मदद की है। और अब फाइनली मंदिर जो है हमारा डेकोरेट हो चुका है। एक मिनट रुको, जब मैं कहूँगी ना तब ऑन करना। और ये यहाँ पर यश भी आया चेक करने। चलो 1 2 3 स्टार्ट। हाँ वो तो मैंने ले लिया है, अब ये अभी यहाँ पे जब दिया लगेगा ना तब अच्छा पूरा और लुक आएगा। अभी रात में बढ़िया से मस्त लग रहा है, मस्त बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। वेल डन आरव, वेल डन नचिकेत, इसने भी बहुत, नचिकेत ने भी तो हेल्प की है पापा की, शांत रहकर परेशान ना करके। यहाँ पर ठीक है, चलो चलो मार्केट चलते हैं हम लोग। देखो कहाँ जाने वाले हो? तो घूमने। आज क्या है? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सबको। यस 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 यस, भी घूमने जा रहे हैं। तो गाइस ये देखो, ये लोग गए हुए हैं पटाखे लेने के लिए, मैं गई नहीं हूँ, बताती हूँ अभी क्यों। तो यहाँ पूरे में इस तरीके से देखिए कितने सारी शॉप्स जो हैं वो लगी हुई हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर ये जो भी हमें लेना था ज्वेलरी का आइटम वो हमने ले लिया है।
और ये मेरा यशु है जिसने अपने बालों को देखो खींच खींच के कैसे कर दिया है। इसको जो भी चीज दिख रही है ना वो बस इसे ये देखो मुंह में डालने की कोशिश करने, कुछ भी करने नहीं दे रहा है आजकल ये। और ये आज इसने भी नए नए ये पहने हैं, कड़े जो होते हैं ना बच्चों के, ये एडजस्टेबल वाले है। तो ये देखो इसका एडजस्ट कर दिया मैंने। दिखाओ बेटा अपना, दिखाओ दिखाओ अपना, दिखाओ 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 जल्दी दिखाओ। ये देखो ये ऐसे है, इसमें क्रिस्टल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये काले काले वो जो रहते हैं नजरिया गुजरिया टाइप से रहते हैं। और मैंने पैर में इसको ये पहना दिया है बिकॉज पैर में हम लोग मतलब काला धागा या कुछ पहना दो तो सही रहता है ना, तो इसलिए मैंने ये पहना दिया। अब इसको आ रहे, पहले ना बहुत बड़े मतलब पतला था ये इसका पैर, अब थोड़ा बड़ा हो गया तो आ जा रहा है, तो मैंने उसको ये पहना दिया। ये लोग गए पटाखे लेने के लिए और मैं नहीं गई क्योंकि इसको ले लेके बहुत मैं थक जाती हूँ और मेरा वहाँ कुछ काम नहीं है। मुझे मैंने आधे पटाखे हमने पहले भी ले लिए हैं बट और भी इन लोग को कुछ कुछ लेना है, तो फिर आज हम लोग लेने आए हैं। कुछ हम पहले भी ले चुके हैं, दो तीन दिन पहले गए थे तब लाने के लिए। तो यही है, चलो अब घर चल के मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या हम लोगों ने शॉपिंग की है। ठीक है यश, चलो। अब बदमाश लड़का है। गन लिए? हाँ, गेट खुला हुआ आपका। वो ना एक लोल भी आता है, लोल लोल रोल मिल रही है। हाँ, लेकिन हाँ, चल कोई नहीं रही है इससे। ओ हाँ, एक चल गई। ये सब कैसी इतनी बड़ी बड़ी गन्स थी? इतनी मुश्किल से गन मिली है? नहीं, गन में दिक्कत नहीं है। चलनी चाहिए इससे ना। नहीं, मैं कह रही हूँ बड़ी बड़ी गन जो है ये भी उसी पर्पस से है जिसमें चिटपिटी जलती है। अच्छी क्वालिटी की है, वेरी गुड। हेलो पापा, दीपका को मारना को ठीक से देख सकता आप? बहुत ही अच्छी दिखी। तो 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, पूजा हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी बिकॉज़ कल हम लोग मम्मी के पास चले जाएंगे, तो इस घर में जो भी दिवाली की पूजा सेलिब्रेशन करना है वो हमने आज कर लिया था। और जो भी धनतेरस पे ज्वेलरी वगैरह सामान लेकर के आए थे वो भी पूजा पे रख दी थी ताकि उसकी भी पूजा हो जाए, तो कल सुबह नहाकर हम उसको पहन सकेंगे। तो पूजा वगैरह हो गई थी और एज़ यूजुअल आरव को पूजा के बाद प्रसाद का बहुत लालच रहता है, बच्चों को होता ही है। तो यहाँ पर हम लोग जो वो लेकर आए थे ना हल्दी कुमकुम रखने के लिए, उसमें ही हम लोगों ने थोड़े से काजू वगैरह रखकर प्रसाद चढ़ाया था और साथ में पेड़ा भी रखा था, और पेड़ा आरव को बहुत पसंद है। तो मैं आजकल आरव को ना ड्राई फ्रूट्स इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो अभी तक खाता नहीं था बट अब वो खाना धीरे धीरे शुरू कर रहा है। तो मैं उसको बोला ये काजू फिनिश करो उसके बाद फिर मैं उसे पेड़ा दूंगी, तो वो खुशी खुशी पेड़ा खाने के लिए काजू भी खा रहा है और इन्जॉय कर रहा है। तो ये सब करने के बाद अब हम दिया जो है ना वो जगह पे रख देंगे थोड़ा थोड़ा गेट के पास और आज जो भी है, तो ये दिए का काम हो जाएगा। उसके बाद बस मुझे खाना बनाना रह जाएगा और थोड़े पटाखे वगैरह कर लेंगे, और फिर कल की मुझे पैकिंग भी करनी है वो भी अभी की नहीं है मैंने, तो ये सारे काम अभी बाकी थे। और टाइम अराउंड मेरे ख्याल से 9:15 जैसा हो रहा था, और हमने जो कपड़े पहने थे ना हमने बस उसी में अपनी पूजा और सेलिब्रेशन कर लिया था। बिकॉज़ ना यश जो है ना सुबह से ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम में लगे हुए थे, तो वो भी थोड़ा अवॉइड सा हो रहा था, तो थोड़ा बीच बीच में से रो रहा था। तो फिर हमें लगा कि कल तो देखो तैयार होना ही है, सेलिब्रेट करना ही है, तो आज जैसे हैं वो ठीक है, बस मेन काम क्या है कि पूजा अच्छे से हो जाए और जो भी खाना पीना है सेलिब्रेशन है कल की पैकिंग है ये सारे काम थे, तो ये इंपॉर्टेंट थे। तो फिर हमने इस पे ही फोकस किया, जो भी कपड़े पहने थे वही पहन के कर लिया, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लिया मैंने। सो फ्रेंड्स, हमारी दिवाली की पूजा हमने कर ली है
और यश ने आज बहुत रो रो के बुलाया कि नहीं नहीं कुछ मत करो, कुछ मत करो, मेरे साथ रहो। तो इसलिए हम लोग बस जरूरी जरूरी काम ही कर रहे हैं। मम्मा ने कपड़े भी नहीं चेंज कर पाई है, मम्मा है ना। चलो अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़े से पटाखे करेंगे, फिर आके मैं खाना, हाँ बहुत सारे करेंगे, और फिर आकर के मैं खाना बनाऊंगी। थोड़ी प्रेप मैंने कर ली है, सब्जी कट कर ली है, खीर भी चढ़ा दी थी बट अब मैं बंद कर दे रही हूँ। और हम लोग जाएंगे छत पे, थोड़ा सा शगुन का पटाखे जला लूंगी, और ये भी होगा। और इसने बेचारा ये भी बहुत देर से परेशान हो रहा है और बुला रहा है, एडजस्ट कर रहा है थोड़ा। इसके लिए भी थोड़ा सा वैसा है ना कि यार एकदम से क्या हो गया, ये इतना सारा सामान, इतने सारे मार्केट, सब तरफ आवाज़ें, लाइट्स, थोड़ा सा डिफरेंट फील कर रहा है शायद, मे बी, पता नहीं, थोड़ा सा क्रैंकी सा हो रहा है, ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी देर पे फिर रोने लगता है, तो मुझे बीच बीच में छोड़ करके आना पड़ता है। चलो हम लोग जा रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर डेकोरेट किया है इन्होंने मंदिर, बताना मुझे कमेंट करके कैसा लग रहा है, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। चलो हम लोग जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो लाए क्यों, तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अच्छा इसको फोड़ना है, अगर ये नहीं फोड़ेगा तो फिर इसको डर लगेगा है। इसको देखो ये कितना खुश हो रहा है। हैप्पी दिवाली नची आ रहा। लो अरे बाप, अरे 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 नहीं नहीं नहीं। और मैं उस पे धनतेरस पे क्या लेकर आई थी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तीनों लोगों के लिए एक चीज लेकर के आए हैं, और यश को हमने आज ही उसको चांदी के जो कड़े रहते हैं वो पहना दिए थे, तो उसके लिए मैंने कुछ अभी लिया नहीं है। ये मैंने आरव के लिए लिया था, अभी मैं क्लोजअप में आपको दिखा दूंगी एक बार। तो ये आरव के लिए कड़े मैंने ले लिए थे, अच्छे लगते हैं मुझे बच्चों में के हाथ में, जब तक वो नहीं समझते तब तक वो ये सब चीज़ें पहन लेते, वे बड़े हो जाते तो उनकी डिमांड्स होती है। एक मैंने ये ब्रेसलेट लिया है, ये कुछ इस तरीके का है, काफ़ी पतला और हल्का सा ही है, लेकिन ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिया है, तो ये उनके हाथ में मतलब ऐसे हल्का सा, बहुत ज़्यादा भारी और प्रोमिनेंट सा ना लगे कि मतलब जो देखे वो पूछे, वैसा नहीं है, हल्का सा बस ये कि हाँ पहनने में थोड़ा सा कुछ ऐसे पहने रहो था, इस टाइप का ही कुछ लाइट वेट सा ही चाहिए था, तो फिर हमने ये ले लिया, उनको जो पसंद आया फिर तो ये। एक और इसमें अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा वो चौड़ा था, तो फिर उन्होंने मना किया, नहीं वो नहीं चाहिए मुझे, हल्का ही चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है जो आपको पसंद हो। और फिर मैंने ये एक अपने लिए पायल ली है, तो ये मैं डेली वेयर में पहनने के लिए ली है, तो ये भी बड़ी सुंदर लग रही थी। और वही था कि मैं ये मुझे दिला रहे थे तो बोल रहे थे कि थोड़ी मोटी ले लो, थोड़ी मोटी ले लो, और जब मैं उनको दिला रही थी तो मेरा भी वही था, लेकिन वही है कि डेली में ना थोड़ी लाइट सी रहती है, हल्की रहती है, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये एक मैंने ले लिए। और तो ये नेक्स्ट डे हम लोग घर आ चुके थे और दिवाली के लिए तैयार हो गए थे, तो ये यश को मैंने कपड़े पहनाए, और उसके बाल बहुत लंबे से हो रहे थे, बार बार ना वो आगे खींच के मुंह पे लगा रहा था बाल, तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने इसकी चोटी कर दी, और उसने चोटी भी बीच में एक बार खोल दी थी बट वापस से मैंने बना दी। और अब यहाँ पर यश और आरव का ये जो बोलते ना एक साथ, मैं उसका रील्स शॉर्ट्स वगैरह कुछ कुछ बना रही हूँ, और दोनों ही एक साथ आजकल बहुत इन्जॉय करने लगे, जब से यश थोड़ा रिस्पॉन्ड करने लगा तो उसे आरव के साथ में बहुत मज़ा आता है, और आरव को उसको गोद लेना, हक करना बहुत अच्छा लगता है। तो
मैं वही यहाँ पे थोड़ा सा करवा रही थी। और ज़्यादा ब्लॉगिंग तो मैंने कुछ की नहीं है, बट ये थोड़े थोड़े से क्लिप्स ताकि आपको थोड़ा सा ग्लिम्स मिल सके कि हाँ कैसा सेलिब्रेशन रहा, क्या कपड़े पहने हमने, कैसा लुक था, बस वही सब हिंट जो है ना वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को दे रही हूँ। बाकी प्रॉपर ब्लॉग तो मैंने किया नहीं है। और बस काफ़ी अच्छे से हमारा सेलिब्रेशन हो गया। आप लोगों का सेलिब्रेशन कैसा था, धनतेरस पे आपने क्या लिया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोस। और मैं मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। इधर देखो, इधर देखो।